ये आज हम क्लियर डबल टेप का वीडियो शूट कर रहे हैं और ये हमारा एक्रेलिक फ़ोटो फ्रेम्स बनाने के काम आता है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका पूरा प्रोसेस, कि इसको एक्रेलिक के ऊपर पेस्टिंग कैसे करना है। तो ये जो हमारा डबल साइडेड क्लियर टेप का रोल है, ये बहुत ही थिन यानी कि 5 माइक्रोन के आसपास है और ये 12.5 इंचेस का इसका वेट्स है और 25 इंच में भी मिल जाएगा, कहेंगे तो 50 इंच, मतलब जो भी कस्टम साइज़ है आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक लेमिनेशन मशीन। ये हॉट लेमिनेशन मशीन है बट आप कोल्ड लेमिनेशन मशीन पे भी इसको आराम से कर सकते हैं। तो हम ये प्रोसेस आपको समझा रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, जितना आपका फोटोग्राफ है उसका थोड़ा सा बड़ा साइज़ का क्लियर डबल टेप आपको कट कर लेना है और आप उसको जैसे लेमिनेशन करते हैं फ़ोटो को, तो वन साइड रिलीज निकाल कर आपको उसके ऊपर लेमिनेशन कर लेना है। तो हम आपको ये पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं। तो ये फ़ोटोग्राफ लिया है और जैसे आप नॉर्मल लेमिनेशन करते हैं, ये जो टेप है इसमें बोथ साइड रिलीज है, यानी कि दोनों साइड गमिंग है, दोनों साइड रिलीज है, बहुत पतला है। तो सबसे पहले क्या किया, हमने एक फ़ोटोग्राफ लेकर और जैसे नॉर्मल मशीन में हम लोग लगाते हैं और हम इसको लेमिनेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये मशीन के अंदर हमने डाल दिया है फ़ोटो को विद डबल साइड क्लियर टेप के साथ, ठीक है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है अभी हम आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि क्लियर वाला टेप का यूज़ करके आप डबल साइडेड क्लियर एक्रेलिक की चेन्स बना सकते हैं, आई कार्ड्स बना सकते हैं, माता का लॉकेट बना सकते हैं। तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, डिपेंड्स कि आप उसके अंदर क्या क्या सोच के क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक्रेलिक का फ़ोटो फ्रेम बना के दिखाने वाले और देखिए उसका क्या प्रोसेस रहता है। अब ये देखिए, एक साइड हमने क्या किया, इसका इसके ऊपर लेमिनेशन कर लिया है, मतलब एक साइड का रिलीज हटा के हमने इसके ऊपर लेमिनेशन कर लिया है। ये देखिए, क्लैरिटी चेक कीजिए, ये डबल साइडेड टेप है, देखिए टेप का इतना क्लैरिटी है। तो अगर हम लेमिनेशन अच्छे से करेंगे एक्रेलिक के साथ तो उसका क्लैरिटी भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये टोटली आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्किल कैसा है लेमिनेशन करने का, ठीक है। हम साथ साथ एक हमारा जो इंकजेट वाला पेपर है पीवीसी वाला, उसके ऊपर भी टेस्टिंग कर रहे हैं कि उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो एक छोटा सा पीस हमने राधा कृष्ण जी का एक छोटा सा पीस लेकर इसके ऊपर भी हम डबल साइडेड क्लियर टेप लगा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर दो वेरिएशंस आते हैं, एक आता है क्लियर डबल टेप और एक आता है स्पार्कल डबल टेप। स्पार्कल वाला थोड़ा महंगा रहता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक एडवांटेज है कि जैसे जो आपका हल्का फुल्का भी डस्ट है ना, तो क्लियर वाले पे डस्ट दिखता है, स्पार्कल वाले पे हल्का फुल्का डस्ट आया, बबल आया, तो वो इजीली पता नहीं लगता है। तो मैक्सिमम लोग स्पार्कल यूज़ करते हैं, बट साथ ही साथ स्पार्कल वाले का प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये हमने क्लियर वाला टेस्टिंग किया है, हम आपको क्लियर टेस्टिंग करके बता रहे हैं। स्पार्कल भी सेम ऐसे ही होता है बट स्पार्कल वाले में थोड़ा सा डस्ट का पता नहीं लगता है। ये देखिए, हमने कर दिया है। तो और इसके ऊपर बबल आएगा या नहीं आएगा वो आपकी जहाँ पे आप कर रहे हैं शॉप पे या फैक्ट्री पे, उसमें डस्ट कितना है और आप कितनी फिनिशिंग के साथ लेमिनेशन कर रहे हो, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमने एक ये एक्रेलिक का पीस ले लिया है जिसके ऊपर से वन साइड से रिलीज हटा दिया है, मतलब अब हम क्या करेंगे, एक तरफ जो एक्रेलिक है उसके ऊपर से रिलीज हम हटा देंगे। अभी रिलीज हटाने के बाद हम इसके ऊपर पेस्टिंग करने वाले हैं। हमने एक दूसरा लेमिनेशन मशीन ले लिया है, आप वही नॉर्मल मैनुअल लेमिनेशन मशीन से 28 इंची का लेमिनेशन मशीन आता है उसके ऊपर आप लेमिनेशन कर सकते हैं। अगर आपको हमसे लेमिनेशन मशीन चाहिए, कोल्ड लेमिनेशन मशीन, तो हम आपको वो भी अवेलेबल करा देंगे। आपके पास अगर लेज़र मशीन नहीं है, आपको क्लियर एक्रेलिक का पीसेस चाहिए लाइक 8x12, 12x18, 12x16, तो आप साइज़ बोलिए, हम आपको लेज़र से कट करके और भिजवा देंगे। तो आप अपनी दुकान पे अगर आपका कोई ऑर्डर आता है, फ़ोटो प्रिंट कीजिए नॉर्मल फ़ोटो पेपर पे और पीछे से एक साइड से उसके ऊपर क्लियर डबल टेप कीजिए और एक साइड से पेस्टिंग कीजिए एक्रेलिक के ऊपर, आपका फ्रेम रेडी हो जाएगा। अब ये क्या किया, हमने ऊपर से एक्रेलिक के ऊपर से पेस्टिंग हटा लिया है, एक तरफ एक पेपर होता है, पेपर हटा लिया, दूसरी तरफ से भी पेपर नहीं हटाया क्योंकि स्क्रैच आ जाएगा, तो अभी हम नहीं हटा रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये लेमिनेशन मशीन में हमने डाल दिया, जैसे नॉर्मल लेमिनेशन करते हैं हम लोग, तो उस हिसाब से हम इसको इसके अंदर डाल रहे हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी रहता है जो एक लोग आजकल आपने देखा होगा, क्लियर HD एक्रेलिक फ़ोटो फ्रेम्स आपको दिखाते हैं, तो वो UV प्रिंटिंग से भी बनाया जा सकता है। बट इसका सब्सटीट्यूट ये है, जो छोटे दुकानदार हैं जिनके पास UV मशीन नहीं है, तो वो लोग इसको, आपका जो फ़ोटो फ्रेम है आप इसको लेमिनेशन करके भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, हम इसको डायरेक्ट एक्रेलिक के पीस के ऊपर, जो ऊपर से रिलीज हटा के, फ़ोटो के ऊपर एक और रिलीज है वो हटा के हम इसको पेस्टिंग कर रहे हैं इसके ऊपर। और जब ये पेस्टिंग हो जाएगा तो फिर हम आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। वी आर जस्ट डूइंग द पेस्टिंग ऑफ द क्लियर डबल साइडेड टेप सैंडविच बिटवीन द फोटो पेपर एंड द एक्रेलिक। ठीक है ना, एक तरह से सैंडविच बना के हम लोग पेस्टिंग करें। जो छोटा राधा कृष्ण वाला, जो PVC वाला हमने प्रिंट किया था अपने इंकजेट प्रिंटर से, आप लोगों को पता ही है कि हम PVC इंकजेट शीट्स भी सेल करते हैं जो कि LED फोटो फ्रेम्स के लिए काम आता है। हम उसको भी एक बार एक टेस्टिंग करके देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट आता है। एंड मैं आपको फिर से वही कहूँगा कि आपका लेमिनेशन करने का स्किल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बबल आता है या नहीं आता है। अब हम लोग भी, हमारा जो ये छोटा भाई है, ये टेस्टिंग कर रहे हैं इनके ऊपर, बट हम लोग ये सब लेमिनेशन वगैरह ये सब नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्ट माल हमारे पास इंपोर्ट होता है और हम लोग सेल करते हैं। फिर भी देखते हैं कि क्या क्लैरिटी इसके ऊपर आता है। तो ये हमने इसके ऊपर पेस्टिंग कर लिया है। अब मैंने बताया था जैसा कि आपको कि इसके एक साइड से पेपर हमने नहीं निकाला है, तो हम जरा अब इसका पेपर लाइव आपके सामने ही रिमूव करके देख रहे हैं। हमने ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो कट किया है, कुछ किया, हम आपके सामने ही निकाल के देख रहे हैं। बबल आएगा तो आएगा, देखते हैं बबल आता है कि नहीं आता है, है ना। तो ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक रहने वाला है। ये हमने फोटोग्राफ पे पहले डबल साइड क्लियर टेप किया था, उसको एक्रेलिक के ऊपर मशीन की हेल्प से ही पेस्टिंग कर दिया। हाँ, ये कुछ लोग बाय हैंड भी लेमिनेशन करते हैं, बट ये बाय हैंड इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा क्योंकि इसको प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है लेमिनेशन करके। अब चेक कीजिए इसका क्वालिटी, ये देखिए। तो इसमें टोटली डिपेंड क्या करेगा, आपका जो पीछे का फोटो पेपर के ऊपर क्वालिटी है एग्जैक्ट सेम आएगा एक्रेलिक के ऊपर, समझ रहे हैं। तो अब इसके ऊपर बबल चेक कीजिए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हुआ है हमारा, फर्स्ट टाइम हमने अब किया है तो फोटो पेपर के ऊपर बहुत अच्छा हुआ है। अगर हल्का फुल्का, जैसे एक हल्का सा बबल आपको ऊपर दिख रहा होगा तो शायद वहाँ पे डस्ट फंसा होगा। तो जैसा कि हमने बताया, आप डस्ट फ्री रूम में करेंगे तो बहुत अच्छा क्वालिटी आपका आने वाला है। अब ये देखिए, इसके ऊपर अच्छे से प्रेशर नहीं पड़ा है आई थिंक, तो राधा कृष्ण वाले वाले फोटोग्राफ में हल्का सा बबल भी दिख रहा है। बट इसको चेक कीजिए, अब इससे एक्रेलिक फ़ोटो फ्रेम बनाइए, घड़ी बनाइए, जो भी बनाना है। तो ये चेक कीजिए आप, ये हमने एक बालाजी महाराज का एक और स्वरूप टेस्टिंग किया था, तो जैसा आपका हाथ वैसा आप उसके ऊपर फिनिशिंग ला सकते हैं। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो कांटेक्ट कीजिए हमारे नंबर पे, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को। थैंक यू।